वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस साइड किरण और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने हैंडबैग्स का कलेक्शन। तो काफी सारे लोगों ने मुझसे काफी बार पूछ लिया है कि आप कौन से हैंडबैग्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, कौन सा ब्रांड आपको पसंद है। तो मैं आज वही रिवील करने वाली हूँ और अपना कलेक्शन पूरा शो करने वाली हूँ जो कि मैंने अमेजोन से रिसेंटली परचेज किए हैं विद इन लास्ट 1 to 2 weeks। ये सारे ही बैग्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं जो कि हर ओकेजन पर आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैं आपको वो वाला बैग दिखाती हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, वो है ये वाला बैग। ये वेव पैटर्न का बैग है फ्रॉम ज़ूक। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट इसीलिए है बिकॉज ये मैं बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मुझे बहुत सारा सामान ले जाना होता है स्कूल में एंड इतना सारा स्टफ कैरी करने के लिए मुझे एक बड़ा सा टोट बैग चाहिए थे। तो आई बॉट दिस ह्यूज टोट बैग फ्रॉम ज़ूक एंड इसको मैं डेली यूज भी करती हूँ। यू कैन सी यहाँ कीचेन्स वगैरह लगी हुई बिकॉज मैं इसको करंटली यूज कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको रिव्यू शेयर करने के लिए लेकर आई थी। अब इसको आप मैं इसको दिखाती हूँ कि ये कितना ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आपको वाटर प्रूफ लाइनिंग मिल जाती है इसके अंदर और इसके अंदर काफी सारे कंपार्टमेंट्स भी है और ये बड़ा सा बैग है। इसके अंदर आप बुक्स वगैरह, अपना लंच टिफिन बॉटल्स वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है और इसके अंदर आपको एक स्मॉल पॉकेट भी मिलती है इसी के अंदर। और इसकी जो लाइनिंग है वो एकदम वाटरप्रूफ लाइनिंग है। एज यू कैन सी मुझे इसे यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है और ये बहुत ही अच्छा चलता है। एंड इसमें एक बाहर भी चेन दी हुई है, आप अपना सामान जो भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर ज़ूक की लेबलिंग है एंड यहाँ पे ये आपको इस तरह के कुछ होल्डर्स दिए गए हैं जिसे आप इसे नीचे आराम से रख सकते हैं तो आपका बैग जो है वो गंदा नहीं होगा। एंड ये बहुत ही स्टर्डी काइंड ऑफ बैग है जो कि बिल्कुल भी मतलब लूज नहीं है। इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बिल्ट क्वालिटी एकदम एथनिक और रिच लुक प्रोवाइड करता है। ये क्रुएल्टी फ्री बैग्स 100% वीगन एंड ऑल्सो दे आर मेड इन इंडिया, तो ये तो खरीदना सच में बनता ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड। ऑफिस या कॉलेज जाती हैं या फिर आप लैपटॉप कैरी करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो आपके लिए मैं एक बेस्ट बैग ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ आज जो आप सच में आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाला बैग, ये वाला बैग ये बेसिकली है एक लैपटॉप बैग। ये भी सेम ब्रांड से है, ये भी फ्रॉम है, ये भी ज़ूक से है। इसके अंदर आपको काफी सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पर आपको एक चेन मिल जाती है और इसके सामने फ्रंट पे आपको ये चेन मिल जाती है। इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं और ये बहुत ही स्पेशियस है। और एंड लुक एट द पैटर्न ऑफ दिस बैग, इसका पैटर्न, इसका लुक इज ऑल 10 on 10। सच में मैं मतलब इसकी तारीफ करते नहीं थकती। जिसको भी, जिसने भी इस बैग को देखा है सभी इसकी तारीफ करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये स्ट्रैप मिलता है, ये भी काफी ज्यादा मतलब बहुत स्टेबल, बहुत ही स्टर्डी सा है। यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी। इसकी सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ज़ूक के बैग्स का कि इनकी क्वालिटी मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पे आप इसे ऐसे ओपन करके यहाँ पे अपना लैपटॉप रख सकते हैं और या फिर आप अपनी फाइल्स वगैरह जो भी आपको बुक्स वगैरह रखनी है यहाँ पर आप बाकी अपना सामान रख लेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ कुछ कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर आप अपना पेन रख सकते हैं, यहाँ पर अपनी किट रख सकते हैं या फिर और भी जैसे छोटा मोटा सामान रहता है ये आप यहाँ पर अपने पैसे रख सकते हैं। ये भी काफी बड़ा कंपार्टमेंट है। तो ये वाला बैग मेरी तरफ से 10 on 10 है। ये सभी के पास जरूर से होना चाहिए स्पेशल बिकॉज इट इज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ऑन लाइव ऑन अमेजोन, तो आपको ये वाला बैग काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। अब अगर आपको कैजुअली कहीं पर ऐसे घूमने जाना हो या फिर आपके पास ज्यादा सामान कुछ ना हो कैरी करने के लिए, जस्ट फोन, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, बहुत मतलब एकदम छोटू सा, प्यारा सा और बहुत एकदम सुंदर सा लुक आता है इस वाले बैग से। लाइक इसका जो पैटर्न है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एकदम एथनिक वाइब देता है, लाइक आप जयपुर वगैरह में है इस तरह की वाइब देता है ये और बहुत ही रिच लुक देता है। ये स्पेशली हैंडक्राफ्टेड बैग्स हैं, 100% वीगन है, तो इनकी क्वालिटी पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। इसकी जो यहाँ पे फ्रंट पे एक पॉकेट मिलती है जहाँ पर आप अपने नॉर्मली फोन वगैरह या फिर अपना कैश वगैरह कैरी कर सकते हैं जो आपको निकालना हो, यूज करना हो। इसके अंदर आपको ये चेन मिल जाती है यहाँ पर और इसके अंदर ये बेल्ट मिलती है आपको। ये स्लिंग बैग है बेसिकली और बहुत लॉन्ग बेल्ट आपको इसके साथ मिलती है। ये अटैच मच, बट ये बैग्स हद से ज्यादा अच्छे हैं। लाइक मैंने कभी किसी बैग, कोई भी मतलब ब्रांड मेरे मुझे इतना पसंद नहीं आया जितने बैग, जितना ये ज़ूक के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये सारा सामान है निकाल लेती हूँ मैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर आपको एक बिग कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें आराम से आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी।
और यहाँ पर आपको एक ये पॉकेट मिल जाती है एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी आप अपना कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सीक्रेट पॉकेट मिल जाती है, चेन है जिसमें विद अटैच्ड, और चेन भी की भी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये काफी स्पेशियस है, इसके अंदर आपको टोटल 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं छोटे से बैग में भी। तो व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अ बैग लेना है, एंड ये आपका स्लिंग बैग रेडी हो जाएगा। तो आप इसे एज अ स्लिंग बैग यूज कर सकते हो, जब आप इसे कैरी करोगे ना सच में बहुत सुंदर लगेगा। एंड मैं इसको यूजुअली जब कहीं बाहर घूमने वगैरह जाती हूँ तब मैं इसको यूज करती हूँ, घर में मैं इसको यूज नहीं करती बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग, भी एक स्लिंग बैग ही है बिकॉज मेरे पास काफी सारे स्लिंग बैग्स हैं। तो मैं नेक्स्ट बैग है ये वाला, इसका जो पैटर्न है वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह है। यू कैन सी ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वाला लुक है, बैक साइड पे भी कुछ ऐसा ही आपको लैंडस्केप मिलेगा, मतलब जैसे पेंटिंग्स आपको मिलती हैं। और यहाँ पर एक पॉकेट है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, कैश वगैरह रख सकते हो। ये बड़ा कंपार्टमेंट है, ये थोड़ा गंदा हो रखा है बिकॉज मैं इसको यूज कर रही हूँ, और ये वाला छोटा कंपार्टमेंट है, ये मैंने इसमें पू भी लगाया हुआ है छोटा सा टेडी। सो या बहुत ही प्यारा, ये मुझे अपने स्कूल में मिला था। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप जीन्स वगैरह पे कैरी करते हो ना, बहुत ही प्रिटी सा एकदम कैजुअल सा लुक आपको मिलेगा। सो ये आप डेली यूज में, अगर आपको स्लिंग बैग चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी का तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैग जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आपको थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आके चीजें खरीदने की आदत है, थोड़ी सी यूनिक चीजें खरीदने की आदत है, तो आपके लिए ये वाला बैग बेस्ट रहेगा। मैं बात कर रही हूँ इस वाले बैग की, इसकी शेप जो है वो अपने आप में बहुत प्रिटी लगती है। ये सर्कुलर एक स्लिंग बैग है, सर्कल शेप में आता है, और यहाँ पर इसका जो आपको प्रिंट दिख रहा होगा, प्रिंट भी बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही एकदम पिंकिश और ओशन ब्लू कलर है इसमें, और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको एक बिग कंपार्टमेंट मिलता है, एक अंदर एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, सीक्रेट पॉकेट है, इसमें चेन भी है। इसके अंदर आपको बाहर से कोई एज सच कोई चेन नहीं मिलती बिकॉज वो अगर ऐसा होता तो इसका जो लुक है ना वो खराब हो जाता, लेकिन ये एकदम मतलब गोल बॉक्स की तरह लगता है और बहुत ही प्रिटी लगता है। जब आप इसको कैरी करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आप एडजस्ट इसे नहीं कर सकते लेकिन इसकी लेंथ काफी अच्छी है। इसके अंदर ये चेन वाला जो डिजाइन है इसका जो लुक है वो और ज्यादा एनहांस कर देता है। तो आप अगर वेस्टर्न वियर या फिर एथनिक वियर के साथ भी इसे पेयर अप करोगे तो ये बहुत ही प्रिटी लगने वाला है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये था मेरे हैंडबैग्स का कलेक्शन फ्रॉम ज़ूक, एंड ये सारी चीजें मैंने अमेज़न से परचेज की है। एंड एज यू ऑल नो के अभी रिसेंटली अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल लाइव है, तो आपको ये सारे ही बैग्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएंगे। तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मत जाने देना, जल्दी से इन सारे बैग्स को चेकआउट करो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगी, वहां जाकर आप इन सारे बैग्स को चेकआउट कर लेना। एंड या मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, आप मेरे एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या इफ यू वॉन्ट टू बी विद माई जर्नी देन मेक श्योर टू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।